आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। जैसा आप सभी को पता होगा कि हम मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं की सीरीज चला रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है लाडली बहन योजना। तो चलिए आपको इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। क्या है लाडली बहन योजना? जाने योजना के लिए पात्रता एवं लाभ। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 मार्च 2023 को लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत राज्य के अंतर्गत आने वाली पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए, वार्षिक 12,000 की राशि सीधा उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। हमारे देश में गरीब जनता के लिए उत्थान के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर नई नई योजनाएं लाई जाती हैं। इन योजनाओं से लोगों को सशक्त बनाने को लेकर काम किया जाता है। इसी क्रम में महिलाओं के लिए भी लाडली बहन योजना लॉन्च की गई है। यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य के लिए लॉन्च की गई है। इस योजना को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 13 मार्च 2024 को शुरू किया गया है। ऐसी महिलाएं जो इस योजना के बारे में पात्रता, इस योजना के लाभ और इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप यहां से लाडली बहन योजना से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपको लाडली बहन योजना का लाभ नहीं मिला है तो हमें 7415460441 इस नंबर पर संपर्क करें। लाडली बहन योजना का शुभारंभ इसी वर्ष 15 मार्च को एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य सरकार लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 11 किस्तें महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं और अब सभी लाभार्थी महिलाओं को लाडली बहना योजना को 12वीं किस्त का इंतजार है। इस योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा 60,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है। सभी लाभार्थी महिलाएं योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लाडली बहना योजना स्टेटस के तहत संपूर्ण किस्तों का विवरण देख सकती हैं। जाने लाडली बहना योजना के लिए पात्रता एवं लाभ। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश राज्य की महिलाओं को मिल सकेगा। इसमें सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, परित्यक्ता या विधवा महिलाएं भाग ले सकती हैं, बस शर्त है उनकी अन्य पात्रता होनी चाहिए जो निम्नलिखित हैं। ऐसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसी महिलाएं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, वे महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत महिलाओं को आवेदन करना जरूरी है। जो महिलाएं इसमें आवेदन करेंगी उन्हें प्रति माह 1,250 रुपए दिए जा रहे हैं। रुपए सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे जिससे केवल वे ही इस पैसे को निकाल सकेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।